नमस्कार दोस्तों, मैं रामदास चौहान यूट्यूब गाजीपुर सत्य की खोज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आपको हल्दी की खेती के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों कि हल्दी की खेती कैसे की जाती है। दोस्तों तो लगाओ हल्दी डालो इसमें। हाँ, हल्दी के लिए दोस्तों गड्ढा खनते हैं। गड्ढा खनने के बाद हल्दी डाल देते हैं। हल्दी को लगा दिया गया, इसके बाद ढक दो बेटा तन्नू, इसको ढको, ढक दो दोस्तों। ऐसे हल्दी को ढक देते हैं। ढकने के बाद दोस्तों इसका दोस्तों पेड़ कम से कम दोस्तों 10 दिन के अंदर दोस्तों जाम जाता है दोस्तों। ये दोस्तों ऐसा इसका दोस्तों पौधा होता है, इधर आओ, ऐसा पौधा होता है दोस्तों। और पौधा ऐसा होने पे दोस्तों ये दोस्तों जब पक जाता है दोस्तों तो इसकी पत्ती पीली हो जाती है। और पत्ती पीली होने के बाद दोस्तों हम इसको हल्दी को खनते हैं दोस्तों। तो खनने पर दिखाओ बेटा, खनने पर ये हल्दी खनने पर दोस्तों ये ऐसा निकलता है। सामने ले आओ, के सामने लाओ दोस्तों। तो ये ऐसा दोस्तों बैठता है दोस्तों, ये हल्दी दोस्तों इस आकार का दोस्तों निकलता है दोस्तों। ये हल्दी ऐसे दोस्तों निकलता है। तो इसकी खेती दोस्तों लगभग दोस्तों 2 साल में दोस्तों इसको खनते हैं दोस्तों। और ये दोस्तों किस किन किन काम में दोस्तों आती है दोस्तों, तो ये दोस्तों हर काम में आती है दोस्तों। इसको दाल से लेके सब्जी से लेके कोई भी चीज़, जैसे दोस्तों आपके सर में चोट लग गया है, चाहे कहीं भी दोस्तों चोट लग गया है और कहीं भी आपके शरीर में दर्द है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। हल्दी का दोस्तों एक और फ़ायदा है दोस्तों कि वो कैंसर के रोगियों के लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। ये टर्मरिक क्रीम भी बनाया जाता है दोस्तों, इसको चेहरा पे भी लगा सकते हैं आप। ये बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। इसके बारे में जितने मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको सही बता रहा हूँ दोस्तों, हल्दी बहुत ही उपयोगी होती है दोस्तों और हर कार्यों में यूज किया जाता है दोस्तों। इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है दोस्तों, इसका पाउडर बनाया जाता है दोस्तों। ये हर कार्यों में किया जाता है दोस्तों, इसके बिना हर काम अधूरा है दोस्तों। हल्दी बहुत ही उपयोगी होती है दोस्तों। ये इसको चेहरे पे भी लगा सकते हैं क्या? उसको चेहरे पे भी लगा सकते हैं दोस्तों। तन्नू, ये तन्नू है दोस्तों, इन्होंने हल्दी का खेती किया है और ये आपको दिखाई है कि हल्दी कैसे बैठी थी। तो हल्दी बैठने के बाद ऐसी दिखाई देती है दोस्तों। ये हल्दी का दोस्तों भी ऐसे ही दोस्तों हल्दी बैठती है दोस्तों। तो दोस्तों आप हल्दी देख लीजिए दोस्तों। ये टर्मरिक क्रीम मैंने बताया ही कि ये टर्मरिक क्रीम होता है, ये हर सब्जी मसाला में यूज होता है। ये कहीं चोट लग जाती है तो उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं और ये चेहरे पे भी लगा सकते हैं। आपके शरीर और बदन में दर्द है उसको भी इसको क्या कर सकते हैं कि दूध में हल्का पका के पीते हैं दोस्तों। ये बहुत ताकतवर होती है दोस्तों, ये कैंसर के मरीजों के लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। तो हल्दी के बारे में जितने मैंने दोस्तों आपको बताया दोस्तों वो बिल्कुल सही है दोस्तों। तो अगर दोस्तों मेरा चैनल आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ऐसे ही दोस्तों बिल्कुल ये दोस्तों हल्दी दोस्तों बैठती है, ऐसे दोस्तों बैठती है। यह इसकी खेती दोस्तों लगभग 2 साल के अंदर दोस्तों ये ऐसा बैठ जाता है दोस्तों। मैंने तो खेती के बारे में आपको बताया है कि कैसे इसकी खेती की जाती है दोस्तों। इसकी पैदावार दोस्तों बहुत अच्छा होती है दोस्तों। ये किसान भाई इसको लगा सकते हैं दोस्तों। ये प्रति 200 रुपया किलो बिक जाती है, अधिकतर लोग इसको यूज करते हैं दोस्तों। ये स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है दोस्तों। इसी चैनल के माध्यम से दोस्तों मैं अपने वाणी को विराम देते हुए मैं कुछ कह रहा हूँ कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों, कमेंट करना, शेयर करना दोस्तों। और दोस्तों अगर जो नए यूजर हैं दोस्तों, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, और जो दोस्तों सब्सक्राइब कर चुके हैं दोस्तों वो लाइक कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैंने जितना आपको बताया है हल्दी के बारे में उतना आप करेंगे दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।